अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे तो उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया देखा तो बोझल था, वजनी था और बुढ़िया को देखा तो कमज़ोर थी, तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहाँ चाहती हो मैं खुद ना छोड़ा हूँ। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी ज़िंदगी बुतों से वफा की है, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट ना जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल ना जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहाँ तक उसने जाना था सामान पहुँचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूँ, तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पर मजबूर हो गए, तो मैं उन्हें ये भी बताऊँगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई, लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत जदा के काम आए। हुजूर यतीम होके यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत जदों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हसद ना फैलाओ, बुगज ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वाहदा बने और अपने माहौल को अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुआशरे के दुख जो हैं वो समेटे जा सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से ही मुआशरत को जो है वो अपने करीब किया और लोग ईमान की दौलत से माला माल हो गए। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए और पहले वो गया अपने चचा के पास, उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया तो वापस रोता हुआ आ रहा था तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने तो ला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूँगा, बुतों का वफादार रहूँगा, तुम इस टेंशन को इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्करा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पर डाल दिया। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी। कुछ लोग कहते हैं जी बस मैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ, मैं तो हज भी नहीं किया, उसके पैसे भी गरीबों को दे दिए। वो तबलीग करते हैं लोग,
कि जनाब कुर्बानी के पैसे भी अगर गरीबों में दे दिए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, उनकी मदद हो जाए। तो वो इस खिदमत खल्क में इतना गुलूफ कर जाते हैं कि वो इस्लाम के शियार का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और जो इबादत वाले हैं उन्हें हमसाए को देखने का मौका भी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि जब एक बस्ती को बर्बाद करने का हुक्म दिया गया तो कहा कि यहाँ तो एक शख्स रहता है जिसका सर सजदे से उठता ही नहीं। कहा मेरे बंदों के ऊपर कयामतें टूटें और इनके ऊपर जुल्म और जबर के पहरे हों और इसके माथे पे शिकन नहीं आता, इसके समेत ही बस्ती को लट के रख दो। यार इबादत करते हो लेकिन हमसायों का ख्याल भी रखो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब फेंका ना तो सहाबा ने अपने हाथों पे लेके अपने मुंह पे मल लिया। आपने इश्क और मोहब्बत की लोक दास्तानें बड़ी सुनी होंगी, लोगों ने नहरें भी खो दी, लोगों ने महबूबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक आपको ऐसा नहीं मिला होगा किसी मुहिब ने महबूब का लुआब भी चाटा हो। कायनात में ये अनोखा बाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें इस चीज पर किसने उभारा कि मेरा लुआब भी अपने चेहरों पर मल रहे हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने। तो मेरे हुजूर ने इसकी नफी नहीं की लेकिन साथ ही फरमाया अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे तो वह हमसायों के हुकूक का ख्याल रखे। यदि तुम्हारा ये पहलू भी, तुम आज के रसूल भी हो लेकिन हमसायों का भी तो ख्याल रखो। तुम्हारे घर पे झंडा तो लगा है हुजूर के मीलाद का लेकिन अगर हमसायों के घर में अंधेरा है तो यार अपने घर में इस साल अगर चरागा नहीं कर सके, गरीब हमसाए का मीटर कट गया उसका बिल दे दो, आमना का लाल ज्यादा खुश होगा, मीलाद वाला रसूल ज्यादा खुश होगा। इसलिए दोनों पलड़े बराबर रखो, ना तो इबादत के ज़ोम में तुम खिदमत खल्क को और हमसायों के हकूक को और रिश्तेदारों के हकूक को भूल जाओ, और ना ये कि तुम खिदमत खल्क के नाम पे इबादत का मजाक उड़ाने लगो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इदारतुल मुस्तफ़ा दोनों बाजुओं के साथ उड़ने की फिक्र रखता है और उम्मत वसत के मिजाज को लोगों में रासिक करना शुरू होता है। जाहिर है जब कभी इस बाजू पे जोर पड़े तो कभी इस बाजू पे जोर पड़े तो बाजू झुकने लगते हैं, तो मेरा अल्लाह मदद करता है, नुसरत देता है, तो कभी हमारे किसी बाजू पे फतवा भी आके जो है वो जोर डालता है, कभी किसी फतवे का मिसाइल लगता है, लेकिन हम तो बुल्ले शाह की बोली में कहते हैं बुल्ले आलो की तेनू काफर काफर आखण तू आहो आहो आख। हमारा काम उलझना थोड़ा है, हमने तो आगे बढ़ते ही चले जाना है और हमारी मंजिल तो मदीना है, हमने तो उसकी तरफ आज़मे सफ़र रहना है। इदारतुल मुस्तफ़ा एक फ़िक्र का नाम है और वो फ़िक्र जो मदीने की ज़ियाओं से फूटती है, गुम्बदे खजरा के जमाल की रोशनी है, और वो मुस्तफ़ाई नहीं हो सकता जिसके दोनों बाजू में से एक बाजू शल हो। हुजूर की उम्मत से जिसको